नमस्कार, आप देख रहे हैं केवाईएन पोस्ट। बेलारूस अब तक के सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। 9 अगस्त को हुई वोटिंग में 80% वोटों के साथ छठी बार अलेक्जेंडर लुकाशेंको राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन अपोजिशन ने इस आधिकारिक चुनावी नतीजों को मानने से इनकार कर दिया है। बेलारूस के 2020 राष्ट्रपति चुनाव पर कुछ समय से माहौल गर्माया हुआ है और दुनिया के ताकतवर देशों और मीडिया की नजर में है। इस साल देश भर में और खासकर राजधानी मिंस्क में सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें 3000 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। कल लगातार दूसरा दिन था जब विरोध प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस बल ने टीयर गैस, रबर बुलेट और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, जिस दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। दरअसल बेलारूस 25 अगस्त 1991 को सोवियत संघ से अलग होकर एक आजाद देश बना था। इसके बाद संविधान बना और जून 1994 को पहला राष्ट्रपति चुनाव हुआ, जिसमें राष्ट्रपति बने अलेक्जेंडर लुकाशेंको। 1994 से लेकर अब तक 5 बार चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अभी भी राष्ट्रपति लुकाशेंको ही हैं। 65 वर्षीय लुकाशेंको को एक डिक्टेटर यानी तानाशाह के तौर पर देखा जाता है और उन पर हर बार चुनावों में गड़बड़ी कराने और मानवाधिकारों का हनन करने के आरोप लगते रहे हैं। इसी वजह से वॉशिंगटन ने उन्हें यूरोप का आखिरी तानाशाह कहा था। बेलारूस के लोग लुकाशेंको की तानाशाही के अलावा कोरोना महामारी पर लापरवाह रवैये से भी नाराज हैं। कोरोना वायरस पर अलेक्जेंडर कहते हैं कि वोडका पीने और ट्रैक्टर चलाने से कोरोना ठीक हो जाता है। साल 2020 में हो रहे चुनावों से पहले बेलारूस के लोगों ने खुलकर तानाशाह लुकाशेंको का विरोध करना शुरू कर दिया था। इसमें सबसे मुखर और पहली पंक्ति में मोर्चा संभाल रही हैं 37 वर्षीय स्वेतलाना तिखानोवस्किया, जो पेशे से टीचर रह चुकी हैं। स्वेतलाना ने यह मोर्चा तब संभाला जब उनके पति सरहेई को लुकाशेंको प्रशासन ने जेल में डाल दिया। एंटी गवर्नमेंट ब्लॉगर सरहेई लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता हैं, जिन्हें मई में यह आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था कि वह राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में स्वेतलाना की कैंपेन मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया था। इन परेशानियों के बावजूद स्वेतलाना को बेलारूस की जनता का भारी समर्थन मिल रहा है और कहा जा रहा है कि 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद अब जाकर किसी कैंपेन को इतनी भीड़ का साथ मिला है। ओपोजिशन का कहना है कि वह प्रशासन से शांतिपूर्वक सत्ता के परिवर्तन पर बातचीत करने या फिर आगे भी लंबा संघर्ष जारी रखने के लिए तैयार है। इस चुनाव और बेलारूस के राजनीतिक संकट पर अमेरिकी सेक्रेटरी माइक पोम्पियो ने कहा, यह चुनाव फ्री और फेयर नहीं था। प्रदर्शनकारियों और विरोधी पार्टी के समर्थकों के साथ हो रही हिंसा को उन्होंने दुखद बताया। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ ने भी इसकी निंदा करते हुए कहा कि सभी प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिलीज कर देना चाहिए। दूसरी तरफ चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मोल्दोवा और अजरबैजान जैसे देश भी हैं जहां से लुकाशेंको को समर्थन के संदेश मिले हैं। रशिया के तानाशाह व्लादिमीर पुतिन ने भी अपने पड़ोसी देश बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को बधाई दी और दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने के लिए पुराने समझौतों को फिर से शुरू करने की बात कही। बेलारूस रशिया और यूरोप के बीच ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट का सबसे आसान ट्रांजिट रूट है। वहीं अलेक्जेंडर रशिया पर सत्ता गिराने का आरोप लगाते रहते हैं और विरोधियों को रूस की कठपुतली कहने के साथ साथ रूस से समय समय पर रिश्ते मजबूत करते भी दिखाई देते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और केवाईएन पोस्ट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।